ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी कि कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए, जहां पर उन्होंने कहा है कि किसान ऋण माफी पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाकर कि किसानों की जो 2 लाख की कर्ज माफी होनी थी वो नहीं हुई है, बस 50,000 की कर्ज माफी ही हुई है। तो किसानों की कर्ज माफी को लेकर जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया था उस पर 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करना था, लेकिन इसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए, जहां पर उन्होंने कहा है कि किसानों का जो कर्जा है वो माफ नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से माफ नहीं हुआ है, क्योंकि 2 लाख का कर्जा माफ होना था लेकिन 50,000 का ही हुआ। किसान का कर्जा माफ हुआ है वो पूर्ण रूप तक नहीं हुआ है, केवल 50,000 रुपया तक हुआ है, जबकि 2 लाख का हमने कहा था वो पूर्णतः 2 लाख तक कर्जा माफ होना चाहिए। तीसरी बात, भिंड में अस्पताल एक नंबर पर आया है, और कल जब हमारी चर्चा ग्वालियर में भी हो रही थी, ग्वालियर के हमारे मंत्री और दूसरे विधायकगणों ने भी कहा कि आप भिंड का उदाहरण लो कि किस तरीके से वहां प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से अस्पताल चलाया। तुलसी सिलावट जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 6 डॉक्टरों का प्रावधान किया है भिंड जिले अस्पताल के लिए, और जल्द से जल्द वो डॉक्टरों को भी आगे।